नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में लोकसभा चुनाव की जो हलचल है वो अब तेज होने लगी है, जहां बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब मैदान संभाल रहे हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग सामाजिक संगठन भी जो है वो लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के जन जागरण अभियान भी अलग अलग संगठन जो है वो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है जयस, यानी जय आदिवासी युवा संगठन, जो लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है और जनता से आदिवासी हित की बात जो है वो करता नजर आ रहा है। जयस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकेश मुजाल्दे, वो हमारे साथ हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं कि अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जयस के क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के जयस जो है वो जनता के पास जा रही है। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि किन मुद्दों को लेकर के अब की बार जयस जनता के पास जा रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी क्या कुछ खास रणनीति है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा जोहार। देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोग, हमारे जो सक्रिय मुद्दे हैं, हम लोग जिन मुद्दों की लड़ाई पिछले 11 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, पांचवी अनुसूची को लेकर, ग्राम सभाओं के विस्तारीकरण को लेकर, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हम उन मुद्दों के साथ हैं। और लोकसभा चुनाव में हम लोग कुछ जगह पर, चुनिंदा जगह पर हमारे प्रत्याशी हम लोग उतारेंगे और कुछ जगह पर जहां पर हमारे विचारधारा के व्यक्ति जो निर्दलीय रूप से फॉर्म भरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम लोग समर्थन करेंगे। क्योंकि हम लोग इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान बचाना चाहते हैं कि इस देश में ST SC OBC माइनॉरिटी के जो कानून, संवैधानिक प्रावधान है, हक अधिकार है, वो बचे और उसी तर्ज पर आगे काम किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर हो, चाहे संविधान को बदलने की बात हो, कुछ भाजपा जो है वो कहती है कि इस देश का संविधान बदल देना चाहिए, उनके कई प्रत्याशियों के ऐसे बयान आए हैं, जबकि यह देश संविधान से चलता है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इस संविधान को बचाते हुए हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जहां जहां हमारे प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, हम लोगों ने जहां प्रत्याशी नहीं उतरेंगे, वहां पर जहां पर आदिवासियों की संख्या कम है, वहां पर भी हम लोग हमारे मुद्दों को लेकर वहां ग्राउंड लेवल पर हम लोग जागरूकता का काम चालू रखेंगे। और यदि बात करें तो 5 साल में कई तरह, अलग अलग तरह के वादे और दावे जो है वो मोदी सरकार ने किए। कई बार कहा गया कि आदिवासी हित के लिए बहुत सारा काम हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया। आप लगातार आदिवासी क्षेत्रों में घूमे हैं, आदिवासी जनता के बीच रहे हैं, क्या लगता है कितना काम 5 सालों में मोदी सरकार ने किया, और यदि नहीं किया तो आने वाले समय में जयस की क्या भूमिका रहेगी इन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 10 वर्षों की भी बात करें तो जो काम होने चाहिए थे वो धरातल पे आए नहीं है। जिस प्रकार से भी पिछली सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया, लेकिन उसका धरातल पे अमलीकरण कुछ नहीं हो रहा है, उसकी बातों को नहीं माना जा रहा है। तो एक जुमले टाइप से हम लोग उसको मान सकते हैं कि कुछ योजनाएं हैं जो सरकार लागू करती है, वो कहती है कि आदिवासियों को इससे फायदा होगा, आदिवासियों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक पहुंच ही नहीं पाता है। ग्राउंड स्तर पर हम लोग देखते हैं कि पैसा एक्ट में जिस प्रकार से आदिवासियों पर FIR बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं हो सकती है, तो वो सब चीजें चल रही है। तो ये सब जुमलेबाजी पिछले 70-75 वर्षों से होती आई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही। अब कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि अब हम 5वीं अनुसूची को अमल में लाएंगे, और जहां पर 50%, अभी कल ही राहुल गांधी जी का कहीं भाषण था शहडोल में, उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या, वहां 6वीं अनुसूची लागू करेंगे। तो भाई, हम लोगों का ये कहना है कि 2014 से पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, तब 5वीं अनुसूची को अमल में लाना चाहिए था। 6वीं अनुसूची के लिए हमारे साथी, हमारे जयस जो है, जयस संगठन जो विचारधारा है बहुत बड़ी है, हमारे अलग अलग राज्यों में भी लोग हैं। सोनम वांगचुक जो है अभी लद्दाख में 6वीं अनुसूची के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों के लिए आदिवासी समुदाय सड़कों पर है, उनके समस्या का निदान नहीं हो रहा है, तो वो अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तब उन लोगों पर जबरन मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जेलों में डाल दिया जाता है। कुछ कर्मचारी अधिकारी अगर जयस की या अपने समाज की बात करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऐसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो भाजपा कहती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, तो आप आदिवासियों का विकास करें तो समाज की बात करने वालों पर अत्याचार क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यदि हम बात करें तो आदिवासी बाहुल्य जो लोकसभा की सीटें हैं, लगभग मध्य प्रदेश में 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं। निमाड़ अंचल की बात करें तो निमाड़ अंचल में 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं। क्या जयस वहां से अपने कैंडिडेट चुनाव में उतारने जा रहा है, और यदि नहीं उतार रहा तो इन सीटों पर हमारी भूमिका क्या रहेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश की 6 रिजर्व सीटें हैं आदिवासियों की, लेकिन हम लोगों की धार झाबुआ
और बड़वानी, ये तीन संसदीय लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों की बातचीत चल रही है, अभी नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग हमारे कैंडिडेट को उतारेंगे और वो वहाँ पर हम पूरी दमखम से हम लोग इस मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। एक जैसे आप जानते हैं कि जैसे एक सामाजिक विचारधारा है, हम लोग निर्दलीय रूप से कैंडिडेट को उतारे हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने उतारे थे, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये राजनीति में एकदम से सफलता नहीं मिलती, लेकिन आगे निश्चित तौर पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। आप इसी का नतीजा आप देख लीजिए कि जयस विचारधारा एक साफ विचारधारा है, वो संविधान की बात करती है। इसी से प्रभावित होकर कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं, जो अब उन पार्टियों से उब चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग हम सही विचारधारा के साथ आए, तो बहुत हमारे पास फोन आ रहे हैं, यहाँ पर जयस राष्ट्रीय कार्यालय में मिलने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जयस के साथ जुड़े। हम सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही पूरे सैकड़ों कांग्रेस और भाजपा के लोग जयस के साथ जुड़कर काम करेंगे। यदि हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को काफी सारी उम्मीदें होती है, ऐसे में आप भी युवा हैं, 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, मोदी सरकार का 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा, इससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा था, क्या लगता है आदिवासी युवाओं के हित में कितना काम हुआ और क्या कुछ किया जाना अभी बाकी है? यदि जो भी सरकार बनती है उससे आप क्या मांगे रखते हैं, क्या सुझाव आप उनको देना चाहेंगे कि ये काम आदिवासी हित में जो है वो होने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए 2017 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और उस टाइम पे हम लोगों ने बेकलाक पदों की भर्ती के लिए आंदोलन किया, तो उन बेकलाक पदों की भर्ती को भाजपा की सरकार करना चाहिए था। 1,50,000 से ज्यादा एसटीएससी के बेकलाक पद है, अगर वो आज भर दिए जाते तो शायद 1.5 लाख आदिवासी परिवार और दलित परिवार सक्षम हो जाते और उनको आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते, लेकिन वो भाजपा की सरकार ने नहीं किया, उल्टा जब आंदोलन करने गए तो हमको लाठियां मिली है, हम लोग खुद लाठियां खाए हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर मुझे नहीं लगता कि आदिवासी के मुद्दों को उस प्रकार प्रमुखता से उठा पा रहे हैं। हम लोग तो मौजूदा सरकार की ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ये एक कम्युनिटी पे बेस्ड हो गए हैं कि एक ही समाज का फायदा करना है, बाकी समाज को छोड़ देना है। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ आदिवासी रहते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, 47 रिजर्व सीटें हैं, इसके बावजूद भी उन लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है, उनको मंत्रिमंडल में सही जगह नहीं दी जाती है, उसके बाद में उनके जो काम है, हम लोग तो संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं हम लोग संविधान से अलग हटकर कोई चीज नहीं मांगते हैं, उस चीजों को पूर्ति के लिए भाजपा ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। ऐसी बात से हम लोग पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको बातों को बता रहे हैं, ये लोग नहीं सुन रहे, तो आने वाले वक्त में जरूर हम लोग ये कोशिश करेंगे और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि अगले 2028 विधानसभा को फोकस करते हुए हम लोग काम करते हुए 2028 में हमारे ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि वहां भेजेंगे और वो वही आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों को कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं रहा, भाजपा पे भी भरोसा नहीं रहा, तो हम लोग हमारी लाइन आगे बढ़ाते हुए आगे का काम कर रहे हैं और जागरूक करते हैं। निश्चित तौर पर एक बदलाव आएगा, समय करवट लेता है। आज भाजपा के शासन में आप देख लीजिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में थे, उन आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या यह लोकतंत्र है? यह लोकतांत्रिक तरीका है किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना? जो आवाज उठा रहा है, जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है, उनको दबाया जा रहा है। आप भाजपा ये कहती है कि हम आदिवासी इत्तेसी है, तो आप आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? आप आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहकर बताइए, तब तो हम मानेंगे कि आप आदिवासी इत्तेसी हैं। तो ये आदिवासी इत्तेसी होने का ढोंग करते हैं, इनका मकसद सिर्फ संविधान को बदलना है, एक तानाशाही शासन स्थापित करना है, जो कि इस देश में नहीं होने वाला। इस देश में सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, वो सब लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और इस बार इनका 400 पार का नारा जो है वो भी फीका पड़ने वाला है। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो कभी पूरे होने वाले नहीं है। यदि हम बात करें तो इससे पहले जयस का जो नाम है, यानी सियासी गलियारों में चर्चा चलती रही कि जो जयस है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित है या कांग्रेस के साथ हमेशा रहता है। यदि हम बात करें, आपके अलग अलग मुद्दे हैं, यदि ये मुद्दे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी मान लेती है, कांग्रेस पार्टी मान लेती है, आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं कि हमको आप समर्थन दे दीजिए या हमारा समर्थन ले लीजिए, तो क्या जयस इस पर आगे बढ़ेगा? क्या अलग अलग मुद्दों पर यदि ऐसी बात होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ कभी जयस जाने का मन बनाएगा क्या? देखिए, मुद्दे पूरे करने के बाद तो दोनों ही पार्टियां हर बार करती है, अपने अपने घोषणा पत्रों में हर बार उनका कहना होता है कि हम लोग आपके 5 अनुसूची पे बात करेंगे, हम लोग ग्राम सभाओं को मजबूत करेंगे, लेकिन होता नहीं है। पहले दोनों ही पार्टियां जो भी वो करके दिखाएं, पहले वो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम लोगों को विश्वास होगा कि इन्होंने कर लिया, उसके बाद का हम लोग सोचेंगे, उसके बाद हम लोग
डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में कांग्रेस और भाजपा के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं। रही बात जयेश को कांग्रेस की बी टीम बोलने की, कांग्रेस के साथ जाने की, तो एक पहला दौर था, हम लोगों ने सोचा कि एक बार और मौका देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार को हो चुके थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि जयेश की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, मध्य प्रदेश में ज्यादा मजबूती के साथ काम कर रहा है। हम लोगों ने बदलाव किया, उस बदलाव का नतीजा कुछ नहीं निकला, इसीलिए अब हम लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस बीजेपी धोखा है, अब हम लोग हमारा रास्ता अपना अपना रहे हैं और कांग्रेस के साथ हम लोग नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जयेश किसी भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसको समर्थन नहीं करता है। इसके बारे में अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई। आप जो कह रहे हैं, अगर मुद्दों की बात अगर वो पूरा करते हैं तो वो पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि क्या करना है। देखिए, निश्चित तौर पर ये थे जयेश के अध्यक्ष लोकेश मुजाल थे, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हर बार की तरह अब की बार भी आदिवासियों की बात लेकर के जयेश जो है वो आदिवासियों के बीच जाएगा, लोगों को आदिवासी हित के बारे में जो है जागरूक करेगा और उसके बाद आमजन जो है वो अपने मतदान को लेकर के फैसला लेंगे। इंदौर से वन इंडिया हिंदी के लिए नमन मटके।